अभी तक हमने जितनी भी कीवर्ड रिसर्च की वो गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर टूल के साथ की, लेकिन सिर्फ गूगल एड्स का ही कीवर्ड प्लानर टूल नहीं है जो कीवर्ड की हमें डिटेल्स दे सकता है। ऑल्दो कि गूगल के ऊपर जितनी भी सर्चिज़ होती हैं, गूगल ही बेहतरीन ज़रिया है जानने का कि वो कितना लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने नोट किया, गूगल हमें सारा डेटा नहीं देता। उसको लगता है कि उसका डेटा चोरी हो रहा है, इसलिए वो हमें रेंजेस देता है 1000 से 10000 या 10000 से 1 लाख की। और ये रेंजेस अक्सर मार्केटर्स को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको वो इस रेंज के ऊपर ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा नहीं निकाल सकते। ऑल्दो कि ये इग्नोरेबल नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें और आप कुछ और यूज़ कर लें, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाती है, आप मज़ीद टूल्स के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं, और जो कि अच्छी बात है। आपको चाहिए कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी रखने के शौकीन हैं, तो अगर आपको रेस लगानी है तो शुरू में आप बेसिकली गाड़ी सीखते हैं, और गाड़ी सीखने के लिए आप थोड़ी सी हल्की गाड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ता जाता है, आप अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं, तो आप मे बी अच्छी गाड़ी भी लेना पसंद करेंगे, और अगर आप रेसर बनना चाहते हैं तो आप अच्छे इंजन पर इन्वेस्ट भी करेंगे। तो इसी तरह से हर शोबे में लोग अच्छे से अच्छे की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से अगर आप फोटोग्राफ़र हैं और आप स्टार्ट एक बेसिकली पॉकेट कैमरा से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका स्किल ज़्यादा अच्छा है और आपको टूल्स हेल्प नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, आप अपना लेंस बेहतर करेंगे या अपना कैमरा बेहतर करेंगे। इसी तरह से SEO में भी होता है, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हैं आपको टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती जाती है। और मैं आपको अभी 2 से 3 टूल्स दिखाऊँगा जिसमें आपको ये हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने एडवांस कर सकते हैं SEO के अंदर। जिसमें से एक टूल तो गूगल का अपना ही टूल गूगल ट्रेंड के नाम से जाना जाता है, और ये गूगल ट्रेंड जो है ये गूगल एड्स कीवर्ड टूल को कम्प्लीमेंट करता है। कम्प्लीमेंट इस तरह से करता है कि इसमें आपको ट्रेंड्स मिल जाते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी मुल्क में किसी कीवर्ड की क्या ट्रेंड रही है। ये आपको एग्जैक्ट सर्चिस तो नहीं देता, लेकिन आपको ये अंदाज़ा ज़रूर दे देता है कि क्या स्मार्टफोन ज़्यादा चल रहा है या मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चल रहा है, और अगर चल भी रहा है तो किस रीजन में सबसे ज़्यादा चीज़ें सर्च हो रही हैं। इसके बाद एक और टूल है मार्केट समुराय, जिसमें हम बात करेंगे कि वो मार्केट समुराय किस तरह से कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करता है। तीसरा टूल है SEM रश, जो कि मार्केट में एक पॉपुलर टूल है SEO के लिए, और उसको यूज़ करते हुए आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और हर टूल अपने साथ कोई नए फीचर्स लेकर आता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि वो एक टूल के फ़ीचर ज़्यादा अच्छे हैं तो दूसरे टूल के फ़ीचर ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ लोग अगर इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली जब लें तो वो मल्टीपल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक टूल को लेना है, या किसी दो टूल्स को लेने हैं, या सबको लेने हैं, या किसी एक को भी नहीं लेना। यह आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने कितना एग्रेसिवली काम करना है, कितने आप सीरियस हैं अपने बिज़नेस को लेकर, और कितने सीरियसली आप SEO करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जितने ज़्यादा टूल्स आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डेटा आपको अवेलेबल होगा, और उसके ऊपर आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। आइए देखते हैं कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गूगल ट्रेंड्स मैंने ओपन किया है। ये गूगल का एक टूल है जिसमें आपको वो ट्रेंड्स बताता है मुख्तलिफ मुल्कों के और मुख्तलिफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं trends.google.com से, या गूगल में लिख के सर्च भी कर सकते हैं कि गूगल ट्रेंड्स, और आपको गूगल रिजल्ट दिखा देगा। इसमें चूँकि मैंने मोबाइल स्टोर की अभी तक बात की है, तो मैं मोबाइल फ़ोन्स ही सर्च करूँगा कितना क्या रुझान है पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स का। तो मैं इसको सर्च करने के लिए मोबाइल फ़ोन टाइप करूँगा, और मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लूँगा। तो मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च टर्म सर्च की है, और उसके अगेंस्ट गूगल मुझे एक ग्राफ दिखा रहा है जिसमें वो मुझे ट्रेंड बता रहा है पिछले 12 महीनों का। लेकिन ये ट्रेंड पाकिस्तान का नहीं है, ये ट्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स का है। यहाँ से मुझे कंट्री चेंज करके अपने टारगेट कंट्री को देखना है, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान है। तो आपने ये याद रखना है कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर वही कंट्री सेलेक्ट करना है। और अगर आपको 12 महीने से ग्रो करनी है अपनी टाइम लाइन, या कम करनी है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 12 महीने पर ही रखूँगा, और मैं पाकिस्तान कंट्री रखूँगा। तो पाकिस्तान में आप जैसे कि देख सकते हैं कि पिछले एक साल में उसका क्या ट्रेंड था, और एक साल बाद वो कहाँ पर है, और आगे गूगल प्रेडिक्शन भी दे रहा है कि वो पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रो करेगा। तो ये गूगल की अपनी प्रेडिक्शन है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डेटा को ट्रैक करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। तो आपने ये नोट किया होगा कि ये गूगल जो है वो अपने जो ट्रेंड का डेटा है वो 0 to 100 शो करता है। ये गूगल की एक और कोशिश है ताकि कोई उसका डेटा चोरी ना करे। तो गूगल हमें सिर्फ ये बताता है कि ये इसकी परसेंटेज क्या है। सो मे बी अगर 77% है, तो उसका मतलब कि 100 में से 77% इसकी सर्च वॉल्यूम है, और ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो हमें भी अंदाज़ा होगा कि कब ये ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। गूगल ट्रेंड्स की एक ख़ास बात ये है कि इसमें आपको महीनों से अंदाज़ा हो जाता है कि किस वक्त कौन क्या सर्च करेगा। सो आप देखेंगे कि साल के आखिर में ये सर्च बढ़ने का खदशा है, इसलिए कि
पॉसिबिलिटी है कि साल के आखिर में लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी इवेंट्स आते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो ब्लैक फ्राइडे का काफ़ी रुझान पिछले कुछ सालों में हो गया है, या न्यू ईयर में डील्स लगती हैं, सो ब्रांड्स इसको कैपिटलाइज करते हैं और इसीलिए लोग वेट करते हैं सारा साल ताकि इन दिनों में वो एक सस्ता या डिस्काउंट पे फ़ोन ख़रीद सकें। तो मैं इसको अब मज़ीद इन्हेंस करने की कोशिश करूँगा। गूगल ट्रेंड्स हमें ये अलाउ करता है कि आप मोबाइल फ़ोन को कंपेयर कर सकते हैं बाकी सर्चेज़ के साथ, तो मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा स्मार्टफोन के साथ क्योंकि ये मेरा एक सिनोनिम है इसी टर्म का। मैं देखूंगा कि मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन में से बेहतर कौन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर इस वक्त जो स्मार्टफोन का रुझान है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग स्मार्टफोन लिखकर मेरी प्रोडक्ट सर्च नहीं कर रहे, लोग मोबाइल फ़ोन लिखकर मेरी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। तो बीइंग अ मार्केटर मुझे ये चाहिए कि मैं मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा फोकस करूँ, ना कि मैं स्मार्टफोन पर करूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्मार्टफोन पर नहीं करेंगे या आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर करेंगे। आपको चाहिए कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे करें, लेकिन आपको इससे ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया है कि बेहतर कौन है और ज़्यादा अच्छा कौन सा है। और इसी में मैं एक नया कीवर्ड ऐड करूँगा कंपैरिजन के लिए, जिसको मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या वो एक अच्छी टर्म है। तो मैंने सेलफ़ोन लिखा, जो कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और सेलफ़ोन तकरीबन एक ही टर्म है, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। और आप देखेंगे कि सेलफ़ोन की सर्चिज भी आलमोस्ट स्मार्टफोन से कम है, और लेकिन वो मोबाइल फ़ोन से तो बहुत ही कम है। सो इससे ये पता चलता है कि लोग स्मार्टफोन भी सर्च कर रहे हैं, सेलफ़ोन भी सर्च कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन तो बहुत ज़्यादा ही सर्च कर रहे हैं। तो बीइंग अ मार्केटर गूगल ट्रेंड मुझे ये हेल्प करता है कि मैं अंडरस्टैंड करूँ कि कौन सा कीवर्ड मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है और किस कीवर्ड से मुझे कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी चाहिए। आखिर में मैं आपको यही बताऊँगा कि गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आपको हर तरह से हर कीवर्ड को आप यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिले। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सबसे टॉप रेटेड कीवर्ड्स को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा मार्केट समुदाय की, जो कि एक और टूल है। ये एक पेड टूल है जिसको आप बाय कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड रिसर्च में इसका भी एक अच्छा नाम है और इसके ऊपर आप अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से गूगल एड्स से डिफरेंट है और किस तरह से ये आपको मज़ीद डेटा बताता है। और कुछ लोग इसको बड़ा बेहतरीन समझते हैं, लेकिन अगेन हर एक की अपनी पसंद होती है, तो आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टूल अच्छा लगता है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्केट समुदाय मैंने ओपन कर लिया है। मैं इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। उस प्रोजेक्ट में मैं अपना एक प्राइमरी कीवर्ड डालूंगा जो कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, और इसको मैं टाइटल दे दूंगा। मोबाइल फ़ोन के साथ मैं वेबसाइट का नाम भी लिख सकता हूं, और इसको आप बताएंगे कि आपने कहां सेव करना है। तो आप फाइल का पाथ दे सकते हैं, मैं अभी इसको फ़िलहाल यहीं पर रखूंगा। इसमें लैंग्वेज और कंट्री भी बताएंगे आप, तो मुझे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट करूँगा, और लेफ़्ट पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा नज़र आएगा। इसके बाद मैं उसको क्रिएट पे बटन प्रेस करूँगा और वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे वो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, हमें इसको कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा कीवर्ड रिसर्च, और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगी। आपने यहाँ पर फ़िलहाल किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, यहाँ पर आप सिर्फ, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च एज इट इज़ करनी है तो आप सिर्फ जाएंगे टॉप राइट में, वहाँ पर जनरेट कीवर्ड्स पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये कुछ कीवर्ड उसने निकाल के दिए हैं, ये तकरीबन 478 कीवर्ड्स वो बता रहा है जो उसको मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट मिले हैं। इस टूल का फ़ायदा ये है कि इस टूल के अगेंस्ट आप इसको यहीं से फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड, या आपको कितने वर्ड से कीवर्ड चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स या ब्रॉड कीवर्ड नहीं चाहिए, तो आप वन वर्ड कीवर्ड निकाल सकते हैं। आप मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट टू कर दें, ताकि जो भी वर्ड्स आपको ये दिखाए वो कम अज़ कम दो वर्ड्स होंगे। तो सिंगल वर्ड सर्चेस वो वैसे ही एक्सक्लूड कर देगा, और ये कि आपके पास जो डेटा होगा वो ज़्यादा फिल्टर होगा। इसको मैं आगे कीवर्ड एनालिसिस पे क्लिक करूँगा, जहाँ पर ये एक्चुअली डेटा मुझे दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने टॉप पे मुझे काफ़ी ऑप्शंस दिखाई हैं, जिसको मैं सेलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाता है, और यही इस टूल की खासियत है कि ये आपको मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता है। लेकिन हमें फ़िलहाल सर्चेस देखनी है। नीचे देखेंगे तो वो कॉलम में आपको वो कीवर्ड्स दिखा रहा है, उसके अगेंस्ट सर्चेस दिखा रहा है, उसके अगेंस्ट अपनी कॉस्ट पर क्लिक दिखा रहा है। ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता वही पैटर्न है जैसे हमने गूगल एड्स के कीवर्ड टूल में देखा था, लेकिन इसमें आप मज़ीद जब चीज़ें इनेबल करेंगे तो आपको मज़ीद डेटा वो इनेबल कर देगा, और जब आप सर्च करेंगे तो वो आपको मज़ीद डेटा दिखाएगा। जब आप ये सब कुछ इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन देगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मार्केट समुदाय एक अपनी खासियत रखता है, इसके अपने टूल्स हैं, इसके अपने फीचर्स हैं,
ये गूगल एड्स की कीवर्ड टूल से डिफरेंट है और उससे बेहतर इस तरह से है कि इसमें फ़िल्टरिंग और इसमें बाकी चीज़ों की बड़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन आपको अगर नहीं पसंद या आपको कोई और टूल ज़्यादा पसंद आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक लास्ट एक और टूल बताऊँगा जो कि पेड है, उसका नाम SEM रश है। अगर आपको लगे कि वो आप बाय कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा टूल है और उस टूल में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं कीवर्ड से रिलेटेड। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने SEM रश में लॉगिन कर लिया है, इसके अंदर लेफ्ट साइड में काफ़ी ऑप्शन मिलेंगी। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टूल है लेकिन मैं इसके सिर्फ कीवर्ड मैजिक टूल यूज़ करूँगा कीवर्ड रिसर्च के लिए। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो एक नई विंडो में ओपन मुझे कर देगा अपना कीवर्ड का टूल, और वहाँ पर मैं अपने कीवर्ड्स टाइप कर सकता हूँ ताकि मैं उसको सर्च कर लूँ। या मैं लिखूँगा मोबाइल फ़ोन्स और मैं उसको सर्च पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे सर्च कर देगा। लेकिन सर्च पर क्लिक करने से पहले आपने ख्याल रखना है कि आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद सर्च करूँगा तो मुझे कीवर्ड्स की लिस्ट दिखा देगा और उसके साथ मुझे कुछ और मैट्रिक्स भी दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने मुझे काफ़ी ऑप्शंस दिखा दी हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो उसमें कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के साथ उसका सर्च वॉल्यूम, फिर उसका ट्रेंड, फिर उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो शो कर रहा है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी SEM रश का अपना मैट्रिक है, जैसे कि हर टूल अपना एक मैट्रिक लॉन्च करता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी SEM रश की अपनी वैल्यू है, आप इस पे ट्रस्ट कर भी सकते हैं और आपको लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि SEM रश की अपनी एक पूरी मैकेनिज्म चल रहा है कि किस तरह से वो कीवर्ड को अच्छा और बुरा कहता है। इसी तरह से वो CPC बता रहा है कि अगर आप इस पे ऐड रन करेंगे तो कितने पैसे देंगे, कंपटीशन भी वो शो कर रहा है और वो डिफरेंट चीज़ें रिजल्ट में शो कर रहा है। अगेन ये एक अलग टूल है, इसकी अपने फीचर्स हैं। आपको लगे कि आप ये बाय करना चाहें तो आप ये बाय कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कीवर्ड रिसर्च नहीं बल्कि बाकी काफ़ी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। ट्रेनीज़, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस लेसन में आपको डिफरेंट टूल्स का हवाला दिया, उसमें से एक फ्री था, दो पेड थे। सिर्फ यही टूल्स नहीं, इसके अलावा काफ़ी और टूल्स भी अवेलेबल हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे आप अपने टूल सेट को भी ग्रो करेंगे ताकि आप अपनी SEO बेहतर कर सकें। और ये हाईली रिकमेंडेड है कि जब आप पैसे कमाना शुरू कर दें SEO से तो आप उस पर री इन्वेस्ट भी करें, क्योंकि अच्छे टूल से आपकी SEO भी अच्छी होगी। अच्छी SEO का मतलब यह है कि आपको सेल्स ज़्यादा मिलेंगी या अपने क्लाइंट्स को आप अच्छी सपोर्ट दे सकेंगे। अच्छे टूल्स के बगैर अक्सर मुश्किल हो जाता है, आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रो करेंगे तो आपको चाहिए कि आप अपने टूल सेट्स को भी ग्रो करें।